चुनार भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के मिर्जापुर जनपद का एक शहर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकें सबसे पहले वीडियो अपडेट्स। चुनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में वाराणसी से 45 किलोमीटर की दूरी पर चुनार शहर में स्थित है। चुनारगढ़ फोर्ट छप्पनी पू में उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया है। चुनारगढ़ किला भारत के उन किलों में से एक है जो आज भी जीवित है। चुनार क्षेत्र मिर्जापुर जनपद का एक तहसील चुनार है। काशी, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित होने के कारण चुनार क्षेत्र भी ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, राजर्षियों, संत महात्माओं, योगियों, सन्यासियों, साहित्यकारों इत्यादि के लिए आकर्षण के योग्य क्षेत्र रहा है। सोनभद्र सम्मिलित मिर्जापुर व चुनार क्षेत्र सभी काशी के ही अभिन्न अंग थे। चुनार प्राचीन काल से आध्यात्मिक, पर्यटन और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित है। गंगा किनारे स्थित होने से इसका सीधा व्यापारिक संबंध कोलकाता से था और वनों से उत्पादित वस्तुएं का व्यापार होता था। चुनार किला और नगर के पश्चिम में गंगा, पूर्व में पहाड़ी जरगो नदी, उत्तर में ढाब का मैदान तथा दक्षिण में प्राकृतिक सुंदरता का विस्तार लिए विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेक जलप्रपात, गढ़, गुफा और घाटियां हैं। सतयुग में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हुआ यह था कि एक प्रतापी, धर्मप्रायण, प्रजावत्सल, सेवाभावी, दानवीर, सौम्य, सरल यानी सर्वगुण संपन्न राजा बलि हुए। लोग इसके गुण गाने लगे और समाजवादी, राज्यवादी होने लगे। राजा बलि का राज्य बहुत अधिक फैल गया। समाजवादियों के समक्ष यानी मानव जाति के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो गया कि अगर राज्य की अवधारणा दृढ़ हो गई तो मनुष्य जाति को सदैव दुख, दैन्य व दारिद्र्य में रहना होगा, क्योंकि अपवाद को छोड़कर राजा स्वार्थी हो गए, परमुखपेक्षी व पराश्रित हो गए, अर्थात अकर्मण्य व यथास्थितिवादी हो गए। यह भयंकर स्थिति होगी, परंतु समाजवादी असहाय थे। राजा बलि को मारना संभव न था और उसके रहते समाजवादी विचारधारा का बढ़ना संभव न था। ऐसी स्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई। वह राजा बलि से थोड़ी सी भूमि समाज या गणराज्य के लिए मांगा। चूंकि राजा सक्षम और निश्चित था कि थोड़ी भूमि में समाज या गणराज्य स्थापित करने से हमारे राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उस पुरुष को राजा ने थोड़ी भूमि दे दी, जिस पर उसने स्वतंत्र, सुखी, स्वराज आधारित समाज गणराज्य स्थापित किया और उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और वह राजा बलि के सुराज्य को भी समाप्त कर दिया और समाज या गणराज्य की स्थापना की गई। चूंकि यह पुरुष बौना अर्थात छोटे कद का तथा स्वभाव ज्ञान में ब्राह्मण गुणों से युक्त था, इसलिए कालांतर में इसे भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार का नाम दिया गया। चूंकि गणराज्य स्थापना का पहला चरण, आदि चरण का क्षेत्र यह चुनार क्षेत्र ही था, इसलिए इसका नाम चरणाद्री पड़ा, जो कालांतर में चुनार हो गया। पहला चरण जिस भूमि पर पड़ा वह चरण के आकार का है। हमारे प्राचीन भूगोल विज्ञानियों ने अपने सर्वेक्षणों से यह पता लगा लिया कि विंध्य की सुरम्य उपत्यका में स्थित यह पर्वत मानव के चरण के आकार का है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के इस पहाड़ी पर ही हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में बहने वाली गंगा का और विंध्य पर्वत की श्रृंखला से पहली बार संगम हुआ है, जिस पर चुनार किला स्थित है। अनेक स्थानों पर वर्णन है कि श्रीराम यहीं से गंगा पार करके वनगमन के समय चित्रकूट गए थे। फादर कामिल बुल्के के शोध ग्रंथ रामकथा उद्भव और विकास के अनुसार कवि वाल्मीकि की तपस्थली चुनार ही है, इसलिए कहीं कहीं इसे चांडालगढ़ भी कहा गया है। इसे पत्थरों के कारण पत्थरगढ़, नैना योगिनी के तपस्थली के कारण नैनागढ़, भर्तृहरि के कारण इसे भर्तृहरि की नगरी भी कहा जाता है। चुनार क्षेत्र के पत्थर और चीनी मिट्टी की कलाकृतियां प्रसिद्ध हैं। राजा रजवाड़ों के समय चुनार के पत्थरों की काफी मांग थी। राजाओं द्वारा बनवाए गए किले व घाट इसके प्रमाण हैं। लगभग 3000 वर्ष पूर्व गुप्त साम्राज्य में भी इन पत्थरों का जमकर प्रयोग हुआ।
चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ इसका उदाहरण है, जिसका एक भाग सारनाथ वाराणसी के संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है। काशी, वाराणसी व मिर्जापुर के घाटों व मंदिरों का निर्माण भी यहीं के पत्थरों से हुआ है। सारनाथ बौद्ध मंदिर, भारत माता मंदिर व संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी इसके प्रमाण हैं। भारत का संसद भवन, रामकृष्ण मिशन का बेलूर मठ का मंदिर व लखनऊ में बन रहे अनेक स्मारक चुनार के पत्थरों से ही बने हैं। क्षेत्र में जे पी समूह का सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक चुनारगढ़ किला कई राजाओं और सम्राटों के अतीत में सत्तारूढ़ भारत के हाथों में पारित कर दिया गया। चुनारगढ़ फोर्ट मुगल शासक बाबर के रूप में अच्छी तरह के रूप में अफगानिस्तान राज्यपाल शेरशाह सूरी द्वारा पास किया गया था। इतिहास से पता चलता है कि शेरशाह सूरी ताजाज भी खान की विधवा इब्राहिम लोधी के राज्यपाल से शादी करने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ किले के पास है। वर्ष 1531 में बाबर के बेटे हुमायूं ने शेरशाह के कब्जे से चयक करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ किले का प्रयास किया, लेकिन वह बुरी तरह से हार गया था। काफी समय बाद 1574 में सम्राट अकबर ने चुनारगढ़ किले पर कब्जा कर लिया जब शेरशाह सूरी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ फोर्ट मुगल सम्राटों के कब्जे के तहत 1772 तक था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों से उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ किले के स्थापत्य शैली के ठीक एक मिश्रण को दर्शाता है। चुनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावशाली संरचनाएं आ गए हैं। वहां आज मृत धूपघड़ी शायद राजा विक्रमादित्य के पर्यवेक्षण के अंतर्गत निर्माण किया है। चुनारगढ़ किला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक चुनार किला, किले में भर्तृहरि की समाधि, समाधि के संबंध में बाबर का हुक्मनामा, औरंगजेब का हुक्मनामा, सोनवा मंडप, शेरशाह सूरी का शिलालेख, अनेक अरबी भाषा में लिखे शिलालेख, आलमगिरी मस्जिद, 52 खंभा व बावड़ी, जहांगीरी कमरा, रनिवास, मुगलकालीन बारादरी, तोपखाना व बंदीगृह, लाल दरवाजा, वारेन हेस्टिंग का बंगला, बूढ़े महादेव मंदिर इत्यादि किले के उत्थान पतन की कहानियाँ कहती हैं। दो चुनार नगर, चुनार किले से लगा हुआ ही चुनार नगर है, जिसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी आकर्षक है। नगर के चारों ओर नदी नाले, पर्वत, जंगल, झरने, तालाब आदि की बहुतायत है। चुनार नगर उतना ही प्राचीन है जितना चुनार किला। दोनों की स्थापना विकास साथ साथ चलता रहा है। चुनार नगर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों में रोजा इफ्तियार खां, गंगेश्वरनाथ आचार्य कूप, कदम रसूल, शाह कासिम सुलेमानी का दरगाह, गदाशाह, मुहम्मद शाह, बच्चू शाह, नवलगीर, सूरदास, बालूघाट के भगवान बामन अवतार, फैरोजी, चक्र देवी, आनंदगिर का मठ, राघोजी के महावीर, गंगाराम का स्थल, गुरु नानक की संगत, आचार्य कूप और विठल महाप्रभु, सतीवाड़, हजारी की हवेली, गंगा जरगो संगम, टैकुर के टिकेश्वर महादेव का श्रीचक्र त्रिकोण, अंग्रेजों का कब्रिस्तान इत्यादि के अपने अपने इतिहास हैं। तीन चुनार क्षेत्र, चुनार क्षेत्र के अंतर्गत जमालपुर, नारायणपुर, सीखड़, राजगढ़ का क्षेत्र और एक नगरपालिका क्षेत्र अहरौरा आता है। संपूर्ण चुनार क्षेत्र का ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व अति विशाल और समृद्ध है। इनमें से कुछ ये हैं: जरगो बांध, बेचुवीर धाम, भंडारी देवी, लखनिया दरी, चूना दरी, गुरुद्वारा बाग, सिद्धपीठ दुर्गा खो, परमहंस स्वामी अर्गणानंद आश्रम, सिद्धनाथ की दरी, सिद्धनाथ धाम, धुई बाबा, शिवशंकरी धाम, गोपालपुर, सीखड़, माँ शीतला धाम, राम सरोवर इत्यादि। Thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel for more exciting videos.